हमारा एक बालक है डॉक्टर सचिन, उसने 8000 से ज्यादा बहुत सफल ऑपरेशन किए हैं और पीजीआई, एम्स, अपोलो, मैक्स जो बड़े बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उनके भी बिगड़े हुए पायल्स, फिसर, फिस्टूला, हर्निया और जो इस एक पीछे रीढ़ की हड्डी में जहाँ बाल इकट्ठे हो जाते हैं, अंदर एक गड्ढा तैयार हो जाता है, साइनस जैसा हो जाता है, उसके 8000 से ज्यादा सफल ऑपरेशन के एक बार जोरदार अभिनंदन। कल मैं 2 घंटे ऑपरेशन थिएटर में ही था, उनकी सब देख रहा था, शल्य तंत्र की कुशलता को, इसको आयुर्वेद में शल्य तंत्र कहते हैं सर्जरी को, और इसके प्रथम गुरु हैं, प्रथम प्रणेता महर्षि सुश्रुत, ये तो पूरी दुनिया मानती है। और बच्चे जिस कुशलता से करते हैं, और नए बच्चों को जिनको ट्रेंड कर रहे हैं, आने वाले समय में पूरे हिंदुस्तान में कम से कम 100 सर्जरी के केंद्र आयुर्वेद के पतंजलि खड़ा करेगा, और वो भी दूसरे जो सर्जरी 1 लाख रुपए में करते हैं, पतंजलि वही सर्जरी 10,000 रुपए में कर देता है। और वो जो सर्जरी करते हैं वो खाली मॉडर्न से ही करते हैं, हम क्षार सूत्र से लेकर के एंसेंट शल्य तंत्र एंसेंट सर्जरी और मॉडर्न सर्जरी के दोनों का मिश्रण से करते हैं, तो उसमें जो सक्सेस रेट है वो 99.99 या 100% आ जाता है। ये है बड़ी बात, करो अनुलोम विलोम। हम कोशिश तो करते हैं हर्निया, हाइड्रोसिल या पायस, फिसर, फिस्टुला, भगन दर्पण खतरनाक रोग है, साइनस, इनका ऑपरेशन ही ना करना पड़े, करना पड़े तो आयुर्वेद से करो, करना भी पड़े और 10-20 मिनट से लेकर के आधे घंटे का प्रोसेस होता है और बहुत जल्दी हील होता है। बाकी तो सर्जरियों में 4-4, 6-6 महीने लग जाते हैं कई बार हील करने में, हम तो 7 दिन में 15 दिन में हील कर देते हैं पेशेंट को, सर्जरी करा करके उसी दिन अनुलोम विलोम शुरू करवा देते हैं, फिर इम्यूनोग्रिड दे देते हैं उसको, पूरा जो आवश्यक आयुर्वेद के उपाय है वो साथ में करवा देते हैं। तो ये सारी दुनिया के लिए, सारे संसार के लिए ये भी एक सूचना है कि जिनको जनरल सर्जरी करानी है, एडवांस सर्जरी अगले साल से, अभी जनरल सर्जरी तो शुरू है हमारी, पिछले 15 सालों से कर रहे हैं, प्रचार ज्यादा नहीं किया हमने इसका, इशारा शल्य तंत्र